हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा शुरू करेंगे लीथल जीन्स विद एग्जांपल एंड विद डिफरेंट टाइप्स। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ओवरलुक कर देते हैं। आई ट्राई कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। लास्ट वीडियो में हमने कोडोमिनेंस के बारे में डिटेल स्टडी की थी, आप आई बटन में वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लीथल जीन्स टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। बेटा जितने भी जीन्स हमारी बॉडी में हैं, सभी जीन्स जो हैं वो यूजफुल नहीं होते। कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को बहुत अर्ली स्टेजेस में किल कर सकते हैं या लेटर ऑन भी लीथल प्रूफ होते हैं। तो लेट्स ट्राई एंड डिफाइन व्हाट इज लीथल जीन्स। एन एलील विच हैज द पोटेंशियल to cause the death of the organism is called a lethal allele or a gene. यानी एक ऐसा एलील जिसके बॉडी में एक्सप्रेस होने से ऑर्गेनिज्म की जो है डेथ हो सकती है, उसे हम लीथल जीन कहते हैं। या एलील इज वन, अ लीथल एलील इज वन दैट कॉजेज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑफन बिफोर बर्थ। यानी वो बिफोर बर्थ ही जो है वो जीन उनको मार देता है, किल कर देता है। एंड सो सम जीन टाइप मे नॉट अपीयर अमंग द प्रोजेनी, मतलब वो कभी बड़ा ही नहीं होता वो ऑर्गेनिज्म, तो दैट नेवर कम्स टू द प्रोजेनी इन टू द पॉपुलेशन। समझ में आया आपको अच्छे से? एक ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस यदि बॉडी में कर पा रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है, उसको डेड कर सकता है, और उसकी डेवलपमेंट से पहले ही इवन बिफोर बर्थ इट कैन किल द ऑर्गेनिज्म। लीथल एलील्स जनरली दे आर ऑफ फाइव टाइप्स, वी विल लर्न वन बाय वन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे लीथल जीन, दैट इज रिसेसिव लीथल जीन। रिसेसिव लीथल जीन किल्स द ऑर्गेनिज्म इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपके पास कोई भी क्रॉस हो, यदि उस क्रॉस में कोई जीन होमोजाइगस कंडीशन में है, अब होमोजाइगस बेटा देखो डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी वो जो जीन है वो दोनों ही एलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट हैं, या वो रिसेसिव भी होमोजाइगस हो सकता है अगर दोनों एलील्स रिसेसिव हो, और तब वो पर्टिकुलर लीथल जीन अपना काम शुरू करे एंड देन इट किल्स द ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली डोमिनेंट, यदि होमोजाइगस डोमिनेंट है और वो जीन तब अपना काम शुरू करे एंड देन इट किल्स द ऑर्गेनिज्म, देन दैट इज ऑल्सो नोन एज रिसेसिव लीथल जीन। सो लीथल रिसेसिव होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन में यदि कोई जीन अपने आप को एक्टिवेट करके और ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसे हम रिसेसिव लीथल जीन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कुवानॉट ने 1905 में जब इनहेरिटेंस ऑफ माउस बॉडी कलर स्टडी किया तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि वो जो उनको जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज मिल रही थी दैट वॉज सपोज टू बी 3:1, जैसे कि मेंडल ने हमें खोज के दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। व्हाट ही वाज गेटिंग ए रेशियो ऑफ 2:1। नाउ डोमिनेंट कलर जो था वो था येलो, और रेसेसिव कलर जो था दैट वाज नॉर्मल ब्राउन और ग्रे भी कहीं कहीं लिखा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो येलो माइस था दैट इज एन होमोजाइगस येलो माइस, क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस माइस कभी भी नहीं मिल रहा था। सो When yellow-coated mice was crossed with another yellow-coated mice, यहाँ पे homozygous नहीं, Quinault took heterozygous conditioned या genotypic organisms. Then again he got the ratio 2:1. Here you can see this yellow mice in the population was not a dominant homozygous mice, बल्कि it was a हाइब्रिड सिचुएशन। यानी यहाँ पर ये होमोजाइगस सिचुएशन में माइस कभी नहीं मिला। सी हियर दे आर वी मेड द क्रॉस कैप हाइब्रिड, देन वी गेट गैमेट्स, फोर गैमेट्स फर्टिलाइजेशन एंड देन
टू येलो माइस विद हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड वन नॉन येलो और ब्राउन और ग्रे यू कैन से वाज ऑब्टेन. तो ये जो माइस था ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में लीथल जीन एक्सप्रेस हुआ. तो हैंस दिस माइस नेवर कंप्लीटेड इट्स डेवलपमेंट. ये कभी अपनी डेवलपमेंट को पूरा नहीं कर पाया. दिस कोएनॉट्स माइस कलर एक्सपेरिमेंट वॉज एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव लीथल जीन. क्लियर? अब ये मत सोचिए कि ये अगर डोमिनेंट ट्रेट था कैपिटल वाई तो हम इसे रिसेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिसेसिव लीथल जीन्स वो जीन्स होते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं और ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. क्लियर? देन रेशियो इज 2:1. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ई बोर इन 1907 ऑब्जर्व लीथल जीन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड दैट वॉज इन द प्लांट स्नैपड्रैगन. सो लेट सी इन दैट ऑल्सो ए वॉज सपोज टू गेट रेशियो 3:1. तो वो 3:1 रेशियो ना आके वहां पे भी जो रेशियो आई दैट वॉज ऑफ 2:1. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अब स्नैपड्रैगन में क्या था बेटा, तीन काइंड के प्लांट्स, तीन तरीके के प्लांट्स जो थे वो आ रहे थे. एक तो ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, प्रोड्यूस हो, दूसरा व्हाइट प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो, एंड एक इनब्रिड हाइब्रिड दैट वॉज पेल ग्रीन और गोल्डन और ऑरिया प्लांट. तो जीनोटाइप जो होमोजाइगस ग्रीन प्लांट के लिए है वो कैपिटल सी होगा क्योंकि वही क्लोरोफिल बन रहा है, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं बनेगा दैट विल बी स्मॉल सी. सो ऑरिया प्लांट्स जो थे उनके पास था हाइब्रिड यानी कैपिटल सी स्मॉल सी. सो दे आर हेटरोजाइगस ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट प्लांट. जब दो ऐसे प्लांट को क्रॉस किया गया तो फिनोटाइपिक रेशियो वाज सेम 1:2:1, यानी एक ग्रीन प्लांट, एक दो ऑरिया प्लांट्स एंड वन व्हाइट प्लांट. अब यहाँ जो व्हाइट प्लांट होगा जिसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो प्लांट अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा? क्योंकि बिना क्लोरोफिल के देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस एंड नो फोटोसिंथेसिस मींस नो फूड. सो ऐसा प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, स्मॉल सी अगेन दिस इज होमोजाइगस कंडीशन. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिसेसिव लीथल जीन. तो ये सर्वाइव नहीं करेगा. सो एफ टू रेशियो विल बी मॉडिफाइड इनटू 1:2 और 2:1. So in this case also it is homozygous recessive genotype that is lethal. तो दोनों ही example में आपको ध्यान देना है कि जो ये plant snapdragon और coenots mice experiment थी, the lethal genes were recessive क्योंकि जो वो death causing genes थे they were in homozygote conditions. एक single copy was produced in the heterozygous producing yellow color. जब भी वो हेटरोजाइगस कंडीशन में था तब येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन लीथल जो था डोमिनेंट होते हुए भी होमोजाइगोट है इसीलिए वो रिसेसिव माना गया है. सिमिलरली ह्यूमंस में जो डिजीजेस हैं रिसेसिव लीथल जीन्स में एलील्स में आती हैं वो ब्रैकीडेक्टाइली एंड सिकल सेल एनीमिया, जो कि हम आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सिकल सेल एनीमिया में भी व्हेन कैरियर्स वर क्रॉस्ड विद ईच अदर तो जो रेशियो आई थी दैट वाज 1:2:1. बट यहाँ सिकल सेल एनीमिया वाले केस में बेटा ध्यान दो कि जो आपका कैरियर होगा वो हाफ जीन्स हाफ एलील इज गोइंग टू प्रोड्यूस नॉर्मल कैरियर में, और यहाँ ये एबनॉर्मल आरबीसीज बनेंगे. यहाँ दोनों ही नॉर्मल बनेंगे क्योंकि दोनों एलील डोमिनेंट है. तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे भी सेम हाफ ऑफ दी आरबीसीज विल बी इन नॉर्मल कंडीशन एंड हाफ विल बी सिकल सेल एनीमिक कंडीशन. लेकिन यहाँ जब ये दोनों ही एलील, सी अगेन दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही एलील जो हैं ये क्या करेंगे, सिकल सेल एनीमिया वाली जो आरबीसीज हैं जिनकी शेप कैसी है, सिकल शेप्ड है, तो दैट विल रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये एक लीथल जीन है. कैसा लीथल जीन है? होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है. क्लियर? जरूरी नहीं है यहाँ रिसेसिव हो, ये डोमिनेंट वाला जैसे कि एग्जांपल कोएनॉट का था वो केस भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज डोमिनेंट लीथल जीन्स.
देखो डोमिनेंट लीथल जीन्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को दोनों ही कंडीशंस में खत्म करते हैं, होमोजाइगस में भी और हेटरोजाइगस में, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील होता है दैट हाइड्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन, तो ये इसको हाइड कर देता है। तो कोई भी एग्जांपल जिसमें आप देखेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं, अगर आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो होमोजाइगस में भी ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी, और अगर हेटरोजाइगस है तब भी द ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड। सो नाउ एग्जांपल इज हंटिंगटन्स डिजीज, एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी होती है। जनरली हंटिंगटन्स डिजीज जो है, इट इज इफ इट इज एडल्ट ऑनसेट तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसका, और यूजुअली ये 30s या 40s में अपीयर होती है। हंटिंगटन्स डिजीज में जो HTT जीन है दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ए प्रोटीन कॉल हंटिंगटिन, ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट है तो भी वो प्रोटीन बनेगा, ऑर्गेनिज्म विल डाई। अगर हेटरोजाइगस है देन ऑल्सो दैट प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल डाई। बट इफ इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। सो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स लाइक एन इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, स्मॉल वॉलेंट्री मूवमेंट, पुअर कोऑर्डिनेशन, ट्रबल लर्निंग एक्सेट्रा, सो ये चीज़ें जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिसके अंदर एडल्ट ऑनसेट होगा वो जनरली 15 से 20 साल तक जिंदा रहेगा, एंड देन साइंस एंड सिम्टम्स विल बिगिन। दिस इज द केस, दीज बोथ केसेस इट विल बी नॉर्मल, जहाँ पर भी आपके हेटरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में होगा इट विल एक्सप्रेस इट्सेल्फ। नाउ कंडीशनल लीथल जीन्स, कंडीशनल लीथल जीन्स क्या होते हैं? बहुत ही, अगर पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा जीन है जिसके लीथल एक्शन के लिए हमें एक सेट कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक सेट पॉइंट हो सकता है कि यदि, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लोरोफिल म्यूटेंट ऑफ बार्ली, बार्ली प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रोड्यूस होने के लिए बेसिकली जो सेट पॉइंट है 19 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। अगर 19 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर है तो नॉर्मल क्लोरोफिल बनेगा, और अगर 3 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है तो आपका जो क्लोरोफिल है वो नहीं बनेगा। जिसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा इट विल बी एन अल्बाइना और देर विल बी नो क्लोरोफिल। व्हेन देर इज नो क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो ये एक सेट पॉइंट हो गया, यानी कि एक कंडीशन है जिसके ऊपर या नीचे कंडीशंस आती हैं तो वो जीन जो लीथल है, कंडीशनल लीथल है, किसी सेट कंडीशन की वजह से अपनी लीथल एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसे हम कंडीशनल लीथल जीन्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड लीथल जीन्स। बैलेंस्ड लीथल जीन्स में क्या होता है कि जो एलील्स हैं, जनरली हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या किया है कि जो एलील्स हैं वो रिपल्सिव है नेचर में, तो रिपल्सिव होने की वजह से जो एक रिसेसिव जीन है, एक रिसेसिव एलील है एक जीन का, और दूसरे जीन का जो डोमिनेंट एलील है वो एक ही क्रोमोसोम में होते हैं, और इसका उल्टा, जैसे सपोज ये आपके पास एक क्रोमोसोम है तो यहाँ अगर L1 है जो कि एक रिसेसिव एलील है और दूसरा एक L2 है जो कि एक डोमिनेंट एलील है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये जो है ना एक दूसरे से बेटा दूर रहते हैं, कैपिटल L1 यहाँ एंड स्मॉल L2 यहाँ। सो दिस इज द केस व्हेन दे सर्वाइव, सो इसको हम बैलेंस्ड लीथल जीन्स कहते हैं, क्योंकि जो एलील्स हैं वो बड़ी बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके रिपल्सिव नेचर की वजह से, रिपल्शन फेस की वजह से जो ये जीन्स हैं दे आर इन प्रॉपर पोजीशनिंग, वन रिसेसिव एलील, अदर डोमिनेंट एलील, अदर डोमिनेंट एलील्स एंड दूसरे का फिर रिसेसिव एलील। सो ए बैलेंस्ड लीथल सिस्टम मेंटेन्स द जीन्स क्लोजली लिंक्ड टू लीथल जीन्स इन ए परमानेंट हेटरोजाइगस स्टेट, इस स्टेट में वो रहते हैं और जिस वजह से
दे नेवर एक्सप्रेस एंड द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। अब यहाँ हम पेरेंट्स मान लेते हैं, इनको ये आपका है L1, L1, L2 एंड L2। अब ये आपके गैमेट सेपरेट आउट होंगे, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी, और जब यूनिट स्क्वायर बनाएंगे बेटा तो आपको ये मेल गैमेट्स इधर, फीमेल गैमेट्स इधर, यू विल गेट ए सी ए डी बी सी बी डी, राइट। अब हम ए सी में देखते हैं क्या हुआ, हमारे दो एलील्स कौन से कंबाइन हो रहे हैं, L1 L2 एंड L1 L2। यहाँ पे क्या हुआ, ये सेम एलील्स एक साथ आ गए, जिसकी वजह से दिस रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म जो होमोजाइगस बनेंगे दे विल डाई। ओनली टू ऑफ द रिसेसिव लीथल जीन्स, जिनमें आपका रिसेसिव लीथल जीन रहेगा वो डेथ हो जाएगी उसकी, और जो हेटरोजाइगट कंडीशन होगी वो सर्वाइव करेंगे। यानी यहाँ L1 L2 एंड दिस रिसेसिव L1 रिसेसिव L2, सो दिस टू विल सर्वाइव, दिस टू विल डाई। सो दिस इज अ बैलेंस्ड लीथल सिस्टम। एंड लास्ट इज द गैमेटिक लीथल जीन्स, ऐसे जीन्स जो गैमेट्स को इनकेपेबल बना दे फॉर फर्टिलाइजेशन, उन जीन्स को हम कहते हैं गैमेटिक लीथल जीन्स। किसी कभी हम मियोटिक ड्राइव जो एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक लीथल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कैसा मैकेनिज्म जिसकी वजह से अनइक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल गैमेट्स बनते हैं बाय हेटरोजाइगस कंडीशंस। जनरली ये ड्रोसोफिला के केस में सीडो ऑब्स्क्योर जिसे हम मेल्स कहते हैं उनके केस में होता है, जो मेल्स होते हैं दिस फॉर्म्स दे आर नॉन फंक्शनल। जैसे कि यहाँ पे ये सपोज आपका पेरेंट है एक्स 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 वाई, अब ये वाई के अंदर योर लीथल जीन इज देयर, तो इस वजह से जो आपकी डॉटर्स बनेंगी दे विल बी नॉर्मल एंड दे विल सर्वाइव, बट नॉट दी एक्स वाई। वाई जिस भी गैमेट में आएगा वहां पे दिट विल बी इनवाइबल नॉन फंक्शनल एंड इट विल नॉट, मे बी इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। आई होप आपको पांचों टाइप्स के लीथल जीन्स समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद मल्टीपल एलील्स। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से इसको एक वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट बाई वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।